हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज हम बनाएंगे करेले की सब्जी। तो ये करेले मैंने सुबह छील के काट के रख दिए थे, पूरा दिन थोड़ा सा सूख गए थे हल्के से। अब हम इसको बनाएंगे। ये हमने धो के रखे हुए हैं। ये मैंने 7-8 प्याज काटी हुई है और ये मैंने निकाला है मसाला। तो इसमें हम डालते हैं हल्दी, मिर्च, धनिया और नमक स्वाद के अनुसार। और ये है राई और सौंफ मैंने पीस के रखी हुई है। और ये है आमचूर। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। तो पहले हम करेले को रखेंगे इसके कढ़ाई में। पहले हमने ये करेले रख दिए हैं। इसके ऊपर हम ये डालेंगे प्याज। प्याज इसमें हम बहुत ज़्यादा डालते हैं थोड़ा। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ये सारे मसाले, जो भी मैंने मसाले निकाले हुए हैं। ये मैं सारे मसाले इसमें डाल दूँगी, मिक्स कर। और इसके ऊपर डाल देंगे ये आमचूर। आमचूर से थोड़ा सा कड़वाहट निकल जाती है और खट्टे खट्टे हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं। और ये मैंने डालिए सौंफ और राई जो पीस के रखी हुई थी। मैंने डाल दिया है सारा सामान और इसको ऐसे मिक्स कर देंगे। तो हम इसमें डाल देंगे पानी। ये पानी डाल दिया हमने, 2 कटोरी पानी बहुत है इसमें। और अब हम इसको धीरे धीरे ढक देंगे और लो फ्लेम पे रख देंगे। तो गाइस, इसको चेक करते हैं, ये बन चुके हैं। ये देखो, ये हमारे बन चुके हैं। ये करेले गल गए हैं। तो हम इसमें डालेंगे अब ऑयल। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तभी अच्छे बनते हैं ये। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे करेले। अब हम ये इसमें करेले डाल देंगे। इसको हम बहुत देर तक पकाएंगे हल्की आंच। तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छे से भुन चुके हैं ये। बहुत अच्छे बनते हैं ये, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसका अचार देखो, ये सौंफ, राई, आमचूर और नमक, ये 3-4 चीज़ें मिला के ऐसे हम मिर्ची डाल देते हैं। मिर्ची का अचार खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। और करेले की सब्जी बनाना ज़रूर, जैसे मैंने बनाई है वैसे बनाकर ज़रूर देखना और मुझे बताना कि कैसी बनी हुई है, खाने में कैसी लगी आपको, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैंने जब बनाई है और मैं बनाती हूँ जो भी सब्जी, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। बाकी आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको कैसी लगी है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर मुझे, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन बटन जरूर दबाना, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।